मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। ऐ दिल है मुश्किल का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है तब से सिर्फ रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन के इंटीमेट सीन को लेकर ही चर्चा हो रही है। खबर थी कि इन सीन्स को देखकर अमिताभ बच्चन भी भड़क गए थे। इधर सुनने को ये भी मिला कि ऐश्वर्या खुद इन बोल्ड सीन्स को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। अब रणबीर ने भी बताया है कि इन इंटीमेट सीन्स के दौरान उन्हें कैसा महसूस हो रहा था। दरअसल रणबीर कपूर आजकल इस फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। फिल्म कल रिलीज होने जा रही है और रणबीर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब मैं ऐश्वर्या के साथ इंटीमेट सीन करता था तो मुझे बहुत शर्माती थी, मेरे हाथ कांपने लगते थे और मैं उनके गाल को छूने में भी झिझकता था। ऐश्वर्या ने ही शूटिंग के दौरान मेरी झिझक को दूर किया। उन्होंने कहा कि इसमें परेशानी क्या है, हम एक्टिंग कर रहे हैं और अपना काम सही से करो। फिर मैंने भी सोचा कि ऐसा मौका कभी मिलेगा नहीं, इसीलिए मैंने भी मौके पर चौका मार दिया। इसके साथ मेरी दो ख्वाहिशें पूरी हुईं, एक माधुरी के साथ एक गाना करने की और दूसरी ऐश्वर्या के साथ काम करने की। आपको बता दें कि रणबीर और ऐश्वर्या एक साथ फिल्म आ अब लौट चले में भी काम कर चुके हैं। हालांकि रणबीर ने इस फिल्म के लिए सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था, उस वक्त उन्होंने 10वीं क्लास पास की थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने एक्टिंग भी की थी और इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर रणबीर कपूर ने काम भी किया था और उसी दौरान ऐश्वर्या और रणबीर की दोस्ती भी हो गई थी। आपको बता दें कि ऐ दिल है मुश्किल कई मुश्किलों को पार करने के बाद आखिरकार कल रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में फवाद खान जो कि एक पाकिस्तानी कलाकार हैं, उनको लेने पर काफी विरोध हुआ था, पर अब अच्छी बात यह है कि फाइनली ये फिल्म रिलीज होगी। इस फिल्म में रणबीर के अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन, अनुष्का शर्मा और फवाद खान भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। फिलहाल इसी के साथ फिल्म बीट में बस इतना ही।